हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और मोस्ट वांटेड 2.0 इस सीरीज के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा मैंने बड़े चैप्टर उल्टे सीधे कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग एक ही सीरीज के अंदर केवल इलेवेंथ ही ना पढ़ते रहे, और कौन से टॉपिक जो है थोड़े से हमारे लिए वेटेज वाले हैं, तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स को हमने पहले उठा लिया है। अब हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वापस 11th का टॉपिक हम लोग उठा लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम आते ही दिमाग में बड़ी टेंशन हो जाती है, हमें लगता है कि इतने सारे एग्जांपल हैं, हम लोग कैसे लर्न करेंगे। लेकिन अगर आप मॉड्यूल से या फिर काफी लंबी चौड़ी भारी भरकम बुक उठाएंगे तो वहां पर तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतनी सारी नॉन स्पीशीज है। कितनी है भाई, आप लोगों को मालूम है इसके बारे में? कितनी है? 17 लाख। बिल्कुल, इतनी सारी स्पीशीज हैं अगर नॉन, तो फिर उनके बारे में एग्जाम्पल देना में तो बड़ी क्या कहते हैं ना, आसान हो जाता है किसी भी राइटर के लिए और वो लिख देंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी आपको कितने एग्जाम्पल्स देती है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमारे नीट पर्पज से हम लोग आज करेंगे। चलिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों को मालूम है जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म है, इन सब को हम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, किंगडम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। याद करिए वो 7 ऑब्लिकेट कैटेगरीज जो कैरोलस लीनियस ने हमें दी थी। हायर मोस्ट कैटेगरी क्या होती है? किंगडम। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर। 1969 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था ये प्लान। इससे पहले तो कई बार कई लोगों ने और भी प्लान दिए हैं, जैसे कि कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, 2 किंगडम प्लान दिया था। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांट्स में वो सारे थे जो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो थे जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड जो शो करते हैं, जबकि हम ये बोलते हैं सेल वॉल उनके अंदर प्रेजेंट होती है उनकी सेल पे। जबकि एनिमल्स वो थे जिनमें सेल वॉल नहीं थी, या फिर जो लोकोमोशन कर पाते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, हिटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ होता है। तो ऐसे 2 किंगडम प्लान के अंदर रखे गए, और उसके बाद में 3 किंगडम 4 किंगडम प्लान भी आए, जिनके अंदर क्या किया गया, फिर नए नए जो है किंगडम और आए, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल प्रोटिस्ट, है ना। अभी तो क्या है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के अंदर जब 2 किंगडम प्लान में दिया तो अभी तक पता ही नहीं था हमें कि यूकैरियोट्स को किसमें रखना है, प्रोकैरियोट्स को किसमें रखना है। सबको बस प्लांटी जैसे दिखने वाले सबको प्लांटी में रख दिया, और एनिमल जैसे दिखने वालों को एनिमेलिया में रख दिया, ठीक है। फिर आया प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के अंदर रखे गए सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म भाई, यूकैरियोट्स थे बट यूनिसेलुलर थे, राइट, प्रोटिस्ट के अंदर रखे गए। फिर आ जाते हैं हमारे क्या बोलते हैं ये मोनेरा ग्रुप। तो पहले मोनेरा ग्रुप आया, मोनेरा के अंदर जो है वो प्रोकैरियोट्स जो है उनको रखा गया। देन फंजाई आया, और फंजाई के अंदर जितने भी हम ये बोलते हैं कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी बट सेप्रोबिक नेचर के थे, ऑटोट्रॉफिक मोड जो शो नहीं करते, उनको भी प्लांट से सेपरेट कर दिया गया। तो ये 5 किंगडम जो है इनको एक्चुअल में कई तरह के किंगडम क्लासिफिकेशन होने के बाद में, जिनकी रिजेक्शन के बाद में मोस्ट एक्सेप्टेबल प्लान जो माना गया वो आर एच विटेकर के प्लान को माना गया 1969 के अंदर। देखिए, आर एच विटेकर जो है उसने मेन क्राइटेरिया जो लिया था अपने किंगडम के क्लासिफिकेशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये 5 है क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया। जो टेबल दी गई है एनसीईआरटी पे उसमें उसके आधार पे मत चले जाना, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से करेक्टर अलग लिखे हैं और यहाँ पे अलग दिए हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है और ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पर जो है ये किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। आर एच विटेकर ने एक्चुअल में जिन किंगडम को डिवाइड किया वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांटी एनिमेलिया, देन प्लांटी एनिमेलिया के अंदर कौन आ जाते हैं, मोनेरन्स आ जाते हैं। मोनेरन्स के बाद में 4 किंगडम प्लान में प्रोटिस्ट आ गए, एंड देन सबसे लास्ट के अंदर क्या आ जाते हैं, फंजाई जो है उसको भी क्लासिफाई कर दिया गया। पहले जितने भी प्लान थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। रीजन क्या था भाई एक्सेप्ट नहीं करने का, रीजन ये था कि कोई ना कोई ड्रॉबैक उनका जरूर रह गया था, क्योंकि अगर केवल प्लांटी और एनिमेलिया 2 ही किंगडम होते तो हम कैसे क्लासिफाई करते कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं जिनके अंदर अभी सेल वॉल तो प्रेजेंट है बट हिटरोट्रॉफिक मोड शो कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है बट ऑटोट्रॉफिक जो है वो प्लांट्स के अंदर रखे गए हैं, तो वो कौन से हैं। फिर हम लोग जो है हम ये बोलते हैं कि केवल प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को होना ही जो है ना वही एक क्राइटेरिया नहीं आ जाता है इसके अंदर, इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कंडीशन जो है ना वो भी
इफेक्ट करती है, जैसे कि प्रोटिस्ट जो है वो अभी क्लासिफाई हो गए तो हम उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख देते हैं, बट पहले तो ये भी क्या थे, क्लासिफाइड नहीं थे, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सबको एक साथ ही रखा गया था प्लांटेड एनिमेलिया के अंदर। तो ये जितने भी ड्रॉबैक्स थे इन सबको एक 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 करके जो है ये हटते गए और हमें मिल गया कौन सा, फाइव किंगडम प्लांट, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, आपको वही ध्यान रखना है, उसी को याद रखना है। चलिए, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या है भाई, ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। यूनिसेलुलर जो है वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, बट किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है उनमें कुछ के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। अपने इमेजिन करिए प्रोटिस्ट को, प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें यूनिसेलुलर है बट सारे के सारे सब में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। फॉर द एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, आउटर मोस्ट जो उसका हम ये बोलते हैं कि लेयर होती है वो क्या होती है, पेलिकल होती है, ठीक है ना। तो उनमें सब में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ में प्रेजेंट होती है। ये एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है जिनको हमने इंपॉर्टेंटली क्या किया, इस चार्ट के थ्रू मेंशन करवाया है। फिर हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, प्रोकैरियोट शब्द आते ही हम बोल देते हैं कि उनमें अब्सेंट होती है। याद रखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोट बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफिक हो सकता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो यूनिसेलुलर जो है प्रोकैरियोट्स उनमें ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो फूड खुद से बना सकते हैं, नाउ डिपेंड कि वो एनर्जी जो है किससे ले रहे हैं, सनलाइट से ले रहे हैं या अपने ही आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाली केमिकल रिएक्शन से रिलीज एनर्जी को अगर वो ले रहे हैं, तो अगर वो केमिकल रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी को लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। लेकिन जो सनलाइट से लेते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है ना। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो है ऐसे भी हो सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक बोल दो या फिर कीमोसिंथेटिक जो है ये हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स। हिट्रोट्रॉफिक मोड भी शो करते हैं, जैसे कि पैरासिटिक हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब समझते हो कि वो प्री डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं, और सेप्रोफिक का मतलब ये हुआ कि वो अपनी बॉडी से बाहर डाइजेशन करते हैं, डेड एंड डीके मैटर पे अपने क्या कहते हैं ना, उनसे अपना फूड जो है उनको लेते हैं। तो ये जो है वो किंगडम कौन सा है, मोनेरा है, जिसमें कौन आते हैं, जिनमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, राइट, वो इसी के अंदर आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो है रिकेट्सिया, क्लेमाइडी, ये बहुत सारे एग्जांपल है जो मोनेरन्स के अंदर आते हैं। ये यूनिसेलुलर ही है केवल, ये कहना गलत होगा, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। नोस्टोक और एनाबिना, अगर उसका उनको अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है जो इस तरह से जो है थ्रेड जैसा इस तरह से बनाया हुआ है, तो वो क्या है, मल्टीसेलुलर है कि नहीं है, साइनोबैक्टीरिया, राइट। तो ये यूनिसेलुलर कहना ही, ओनली यूनिसेलुलर कहना मोनेरन्स को गलत होगा, ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हिट्रोट्रॉफिक भी है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं ये जो है मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं, दोनों ही तरह से, यूग्लिना है वो सेप्रोबिक भी, और एट द सेम टाइम जब उनको सनलाइट वगैरह मिलती है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद भी बना लेते हैं, क्लोरोफिल ए उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि कई तरह का जो ये न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं कौन, प्रोटिस्ट। तो ये हमारा आ गया सेकंड किंगडम। तो मैंने एग्जांपल भी कई सारे लिए, इमेजिन कर सकते हो यूग्लिना के बारे में जो है, इमेजिन कर सकते हो आप इसके अंदर जो आपके प्रोटोजोन्स है उनको इमेजिन कर सकते हो, पैरामीशियम जो है उसको इमेजिन कर सकते हो, डायनोफ्लेजिलेट्स जो है उनको इमेजिन कर सकते हो, डाइटम्स को, है ना, ये सारे जितने भी एग्जांपल है ये प्रोटिस्ट है। तो अपने दिमाग में ना एक क्राइटेरिया अलग से बना लो कि हाँ भाई प्रोटिस्ट, जैसे नाम लो तो वो ऑर्गेनिज्म की शक्ल जो है ना, डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो यूं दिखने लग जाने चाहिए, इतना याद कर लो। चलिए, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो है इनके अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कई तरीके का हो सकता है, क्योंकि मल्टीसेलुलर है। अब या तो लूजली क्या हो सकते हैं, पैक्ड हो सकते हैं, जिसके अंदर टिश्यू जो है वो फॉर्म ना हुए हो, है ना, तो लूज टिश्यू भी बोल सकते हैं, जैसे कि फंजाई, फंजाई में क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, पूरे गुच्छे को माइसीलियम बोलते हैं। तो फंजाई जो है उसके हम क्या बोलते हैं, लूज टिश्यूज उनको बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। उसी के साथ में ये मल्टी सेलुलर में अगर हम बात करें तो कुछ में जो है टिश्यू लेवल का, यानी कि सेल्स जो है अलग अलग तरह के टिश्यू फॉर्म कर लेती है, टिश्यूज जो है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन जो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं, तो ये लेवल का भी जो है ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो बस उसी आधार पे आप लोग देख लो, फंजाई जो है उनमें लूज टिश्यू होते हैं, ठीक है, सेल वॉल जो होती है बिल्कुल प्रेजेंट होती है, बट याद रखिए डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल, क्योंकि ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है, इसके बारे में, ये काइटिन क्या होता है, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं तो ये इनके बारे में ना हम लोग बायोमोलिक्यूल के अंदर सब पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में उतना पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगर हम देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, तो यूकैरियोट्स शब्द आते ही समझ आइए तो सब में ही प्रेजेंट है। देखिए फिर फंजाई जो है वो हिट्रोट्रॉफिक होती है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है, इसी वजह से इसको प्लांटी से जो है सेपरेट कर दिया गया। ये सेप्रोबिक एंड क्या है, पैरासिटिक हो सकती है, दोनों ही कंडीशन इनके अंदर है। मल्टी सेलुलर में फिर आ जाते हैं हमारी प्लांटी, प्लांटी का तो मेन ही रोल यही है कि इनके अंदर एक तो बढ़िया बात यह है कि सेल वॉल सेलुलोज की होती है, और दूसरी ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है वो इन्हीं के अंदर हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, है ना, सारी की सारी स्टडी इन्हीं के अंदर करते हैं, बहुत डाइवर्स जो बोलते हैं ना ये हम ये बोल रहे किंगडम है। तो प्लांटी जो है उसको इमेजिन करना आसान है, आसपास आस पड़ोस में गमले में सब जगह ये पौधे देखने को मिलते हैं, खाते हो पीते हो, तो प्लांटी जो है उसको इमेजिन करना आसान है। एनिमेलिया बिल्कुल इनमें सब तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, याद करिए भैया सब पोरीफेरा से लेकर आपके इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि कॉर्डेट्स तक जितने भी हैं, सारा एनिमल किंगडम जो है हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आगे टॉपिक आने वाला है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। वैसे हमने सेल के अंदर, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हम स्टडी कर चुके हैं, आप लोग वापस से जो है वीडियो देखकर वहां पे इसका डिफरेंसेस जो है सेल में वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेचर की बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर कैसा होता है भाई, ये जो है हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक हो सकते हैं या फिर सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, डेड एंड डीके मैटर से फूड जो है वो अपना ले सकते हैं। होलोजोइक है इसका मतलब क्या करेंगे, फूड को अंदर लेंगे एंड देन फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया, एक हमारा ये किंगडम आ जाता है, तो आ गए भाई हमारे पास में पांच किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर। उसके बाद में तो सिक्स किंगडम प्लान जो है वो भी आ गया, कॉल्ड बॉयज ने दिया था, जो किस पे बेस्ड था भाई, 16S RRNA पर, बट ये सब चीजें आपकी NCERT में मेंशन नहीं है, तो जो चीज NCERT में नहीं है उसको क्यों पढ़ना, उसने हमें 3 domains ऑफ लाइफ दिए है ना, अब उसके साथ में उन्होंने 6 किंगडम प्लान दिया, जो आपका मोनेरा है उस मोनेरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्किबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया के अंदर, रीजन क्या था, क्योंकि आर्किबैक्टीरिया एंड जो यू बैक्टीरियाज है उनके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की यू बैक्टीरिया में होती है, जबकि स्यूडोम्यूरिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है आर्किबैक्टीरिया के अंदर। अगर सेल मेम्ब्रेन देखोगे तो उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है, बट ये सब चीजें हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी हमें ये नहीं बोलती है, तो प्लीज इसे स्किप कर दीजिए अपने दिमाग से, जो चीज एनसीईआरटी में मेंशन है उसी को और डिटेल में पढ़िए। चलिए सम ड्रॉबैक्स ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे भाई, तो पहला ड्रॉबैक तो यही था, अगर आप देखेंगे प्लांट और एनिमेलिया के अंदर जब डिवाइड किया तब हम बता नहीं सकते थे कि यूनिसेलुलर कौन से है, मल्टीसेलुलर कौन से है, एक तो इसमें हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था यूनिसेलुलर का एंड मल्टीसेलुलर का, ना ही हमें डिफरेंस पता चल रहा था प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर हमें पता नहीं चल रहा था। फिर हम बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक को एंड हिट्रोट्रॉफिक जो है इनको भी सेपरेट नहीं किया गया था, तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए नए नए प्लान आते रहे, जैसे कि मोनेरंस जब आया तब क्या हो गया, मोनेरंस के आते ही हमारा ये जो ड्रॉबैक था ये खत्म हो गया, जैसे ही फिर अगले प्लान के अंदर प्रोटिस्ट को ऐड कर दिया गया तो आप देखोगे तो उसके आते ही यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाली बात भी खत्म हो जाती है, एंड देन ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, जब फंजाई को प्लांटी से सेपरेट कर दिया गया और 5 किंगडम हमें मिल गए तो हमारा ये ड्रॉप भी जो है ड्रॉबैक भी खत्म हो जाता है, याद रखिए इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक थे जिनको बाद में क्या किया है 5 किंगडम प्लान के अंदर, अभी वो ड्रॉबैक्स नहीं रहे, इसीलिए मोस्ट एक्सेप्टेबल प्लान है वो, क्लियर। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द किंगडम मोनेरा। मोनेरा कौन सा है भाई, मोनेरा को पहले माइकोटा बोला गया था, बिल्कुल डॉगर्टी एंड एलन ने बोला था। ये जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर सभी वही आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ये हो सकते हैं, बैक्टीरियाज सबसे अच्छा एग्जांपल है इसको इमेजिन करने का कि हाँ भाई बैक्टीरिया क्या है। एक चीज याद रखिए, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बट स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, सेल के टाइम पे हमने इसको डिस्कस किया था कैसा होता है भाई, इनके सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है जिस पर एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सम
सम बैक्टीरिया है पिलाए और फिम्ब्री, उनके अंदर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं फॉर द अटैचमेंट टू द अनदर बैक्टीरिया और फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर हम बोलते हैं डीएनए प्रेजेंट होता है जो साइटोप्लाज्म में नेकेड कंडीशन के अंदर होता है. सम बैक्टीरिया है प्लाज्मिड आल्सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करता है, बट कोई ना कोई हम ये बोलते हैं कि करेक्टर जरूर डेवलप करता है, रेसिस्टेंस ही डेवलप कर सकता है, फर्टिलिटी उसकी वजह से डेवलप हो सकती है, राइट. तो प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है. तो ये सारे करेक्टर्स हमने पढ़े. तो करेक्टर हमें बड़ा सिंपल लगता है बट इनका बिहेवियर जो है वो बड़ा ही हमें कॉम्प्लेक्स लगता है. बैक्टीरिया मुझे समझ में नहीं आई कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, है ना. तो हमें तो स्ट्रक्चर बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, चले याद करने में छोड़िए उस चीज को. तो बैक्टीरिया जो है अगर आप देखेंगे तो बाइनरी फिजन के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं सिंपल, बीच में से क्या होता है स्प्लिट होता है एंड देन बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है. तो इनकी इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें बहुत सारा तरह का मिलता है. आप इनमें देखोगे ये फोटोट्रॉफिक भी है, कीमोट्रॉफिक भी है और इसके अलावा हिट्रोट्रॉफिक भी है. उसमें भी ये सेप्रोबिक पैरासाइट हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ये शो करते हैं. इसी वजह से इनके बिहेवियर को क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स बोला गया है. अभी समझ में आ गया है ना, स्ट्रक्चर पढ़ा तो बड़ा हार्ड लगा लेकिन जैसे ही न्यूट्रिशन पे आए तो क्या हो गए, हिल गए हम. उसमें भी आप देखो ना रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ भैया ये कैसे होते हैं, ये एरोबिक हो सकते हैं एनएरोबिक हो सकते हैं. पर जब एरोबिक भी पढ़ने जाओ तो समझ में आता है कि यार कुछ ऐसे होते हैं जो फैसिलिटी उनको मिलती है, मतलब कि वो एरोबिक अगर एनवायरनमेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेंगे और एनएरोबिक एनवायरनमेंट मिला तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेंगे. और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेंगे, ऑक्सीजन जाते ही तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. सेम ऐसी कंडीशन एनएरोबिक में भी मिलती है. एनएरोबिक वाले क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बट जैसे ही ऑक्सीजन आती है उनकी डेथ हो जाती है. बट कई कंडीशन ऐसी भी होती है कि एनारोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है अपने ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज के, बट जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई मिली उनकी डेथ हो जाती है. तो ये सारी जो बिहेवियर है ना उनके, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर रहे हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे. स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन वहीं क्रिएट हो जाता है. तो याद रखिए बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है बैक्टीरिया की. अभी देखिए शेप के बारे में, इसमें भी पढ़ना चाहो तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो बट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. तो देखिए कोकस स्ट्रक्चर होती है, अगर ये स्फेरिकल हो, स्पाइरुलम है अगर स्पाइरल शेप है, विब्रियो बोला गया है जब ये कोमा शेप होते हैं, और बेसिलस है अगर ये रोड शेप होते हैं. तो आप देखो इसके अंदर भी पढ़ना चाहो तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, डिप्लोकोकस है ना, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस, फिर स्टेप्टोकोकस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ पढ़ डालो, पर रिक्वायरमेंट नहीं है. जितना एनसीईआरटी ने दिया उतना ही पढ़ो ना, क्यों फालतू में ज्यादा चीजें याद करें. चैप्टर देखो इतने सारे बायोलॉजी के, हम वो याद करेंगे ना, तो जितना दिया है वही ठीक है. चलिए अभी देखो ये आ गया न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक अपना फूड खुद बना लेते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं. फोटोट्रॉफिक है हो सकते हैं, कीमोटोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक सेप्रोबिक, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, वही चीजें चार्ट के थ्रू यहाँ पे मेंशन है. चलिए न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. क्लासिफिकेशन देखें तो बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया. एंशियंट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं. क्या कहते हैं भाई आर्की बैक्टीरिया के लिए, ये देखो मिथेनोजन बैक्टीरिया है ना, थर्मो एसिडोफिल्स है ये, ठीक है. इसके साथ में हेलोफिल्स है, यानी सॉल्टी एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, ठीक है. और ये मिथेन जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, मार्शी गंदा सा एनवायरनमेंट है ना, एक गोबर वगैरह इन सब के अंदर भी ये रह रहे हैं. यानी कि जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां आर्की बैक्टीरिया मिलेगा. सबसे पुराना है, तब सबसे पहले जब पैदा हुआ तब से लेकर अब तक तो ये तो चल ही रहा है. बाकी सारी कई स्पीशीज है जो पैदा हुई और कई बार क्या हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं मिली तो विलुप्त भी हो गई है. अभी देखो डायनासोर जैसा है वो आया और चला गया, लेकिन ये देखिए बैक्टीरिया है लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. तो ये जो है एंशियंट बैक्टीरिया इनको बोल रहे हैं, चले आ रहे हैं अभी तक. यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हम स्टडी करते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया की हम लोग स्टडी करते हैं ना, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल वगैरह जो भी चीजें हमने सेल चैप्टर में प्रोकैरियोट सेल की स्ट्रक्चर की जो स्टडी की है वो हमने यू बैक्टीरिया की है, ठीक है. तो यू बैक्टीरिया तो दो पार्ट के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. चलिए आर्की बैक्टीरिया में देखें, यही तीन तरह के बैक्टीरिया है, हेलोफिल्स सॉल्टी एनवायरमेंट में रहते हैं, मिथेनोजन मॉशी एनवायरमेंट में रहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं. मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है ये रूमिनेंट्स की हम ये बोल रहे हैं गट में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट. इसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मिथेन गैस जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए इनको बोला गया है क्या, मिथेनोजन, क्लियर. चलिए जितना दिया गया है उतना ही पढ़िए, क्यों फालतू में पढ़ना ज्यादा. यू बैक्टीरिया जो है देखो ये नोस्टोक और एनाबिना के स्ट्रक्चर दिए होते हैं,
है कि नहीं, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ जो है म्यूसिलेज का शीत है, इनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती है, हिट्रोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनकी वजह से न्यूट्रिटिव जो कहते हैं ना मात्रा जो होती है, न्यूट्रिटिव कंडीशन बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, यानी इकोनॉमिकली क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई ये। तो ये ऑटोट्रॉफिक, वही सारे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखे हैं जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तो नॉस्टॉक एंड एनामिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की क्या क्या होती है, वही लिखा है। देखो साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट की तरह, ठीक है। पहले इनको एल्गी के अंदर ही रखा गया था, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नोस्टॉक एंड एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया वगैरह जो है, ये इनऑर्गेनिक जितने भी सब्सटेंस है, इन सबसे क्या करते हैं, इनको वही ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके बाद में वही फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं और एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। बैक्टीरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो है वो हम कहते हैं ना मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है हम बैक्टीरियाज के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए कई डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, ये पैथोजेंस भी हो सकते हैं। बैक्टीरियाज तो डिजीज तो बहुत सारी कॉज करते ही हैं, ये देखिए कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, प्लांट्स के अंदर ही बहुत सारी डिजीज जो है कॉज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियाज इतना ही पढ़िए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऐसे तो पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चार्ट आप चाहिए, तो फिर सबके बारे में, सब सारे पैथोजेंस के बारे में पढ़ लीजिए, उनकी डिजीज पढ़ लीजिए, है ना, कि कौन सा कौन डिजीज जो है डेवलप कर रहा है, किसकी वजह से डिफ्थीरिया किसकी वजह से हो रहा है, टिटनेस किसकी वजह से हो रहा है, निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है, ये सारे आप पढ़ लीजिए यहीं पे। तो आपका चैप्टर जो है बड़ा लेंथी हो जाएगा, बट बेटर है कि सेक्शन वाइज ही पढ़िए, यहाँ पे जितना दिया है उतना ही पढ़िए, ठीक है। इतना दिया है, इतना बहुत है, तो दिमाग में क्या क्लियर रहेंगे। चलिए माइकोप्लाज्मा, ये भी क्या आता है आपके मोनेरा के अंदर आता है, पीपीएलओ, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है इनमें सेलबोल नहीं होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की सेलबोल, इसीलिए पेनिसिलिन का इफेक्ट इनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि पेनिसिलिन एक्चुअल में पेप्टिडोग्लाइकिन की सेलबोल को बनने से रोकते हैं। चूंकि इन पे पेप्टिडोग्लाइकिन वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलिन का इन पे इफेक्ट नहीं होता, पर अनदर एंटीबायोटिक्स जो है उनका इफेक्ट इन पे होता है। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला जाता है, ठीक है ना। इनको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं, पेलियोमॉर्फिज्म शो करते हैं, कई शेप के हो सकते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो ट्रिपल लेयर होती है ना, इसीलिए तीन इनके अंदर क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। चलिए इसके अलावा ये विदाउट ऑक्सीजन जो है सर्वाइव कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, ये डिजीज कॉज करते हैं और सेल वॉल जो है कंप्लीटली नहीं होती, अब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इतना ही पढ़िए माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट वो है जो कि प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है और फंजाई लाइक भी है, लेकिन सारे के सारे है कैसे, यूनिसेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी ऐसे ही कर सकते हैं ना, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक जो है उनमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं प्लांट लाइक में। प्लांट लाइक में हमारे पास में तीन है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों, जिसमें आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स, डेनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ये तीनों के तीनों है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इनको हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो देखो डेनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए प्लांट लाइक हो गए। प्रोटोजोन्स, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं है तो ये तो क्या है, एनिमल लाइक हो गए। और स्लाइमोल्स जो कि सेप्रोबिक है बट इनमें स्पोर्स भी बनते हैं, अब स्पोर्स में होती वॉल है, ठीक है, बट ये हम क्या बोल रहे हैं कि स्लाइमोल्स जो है वो क्या है, ये फंजाई लाइक है, सेप्रोबिक है ना, तो ये हो गए फंजाई लाइक मेन करेक्टर। वैसे तो इनमें कई और भी करेक्टर मिलेंगे हमें, एनिमल लाइक भी मिलेंगे और प्लांट लाइक भी मिलेंगे, बट फिर भी मोटे तौर पर अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, ये पैरासाइट्स है, ये सेप्रोबिक है और ये बाकी फोटोसिंथेटिक है। यूग्लिना जो है वो सेप्रोबिक भी है, ठीक है। तो हमने उनको क्या किया है, तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, अभी इन्हीं की स्टडी हम लोग आगे करेंगे। तो प्रोटिस्ट का दिमाग में पिक्चर बनाते जाइए, सबसे पहले आ जाता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स वर्ड आते ही समझ जाइए ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, किसके लिए भाई, किसका प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज्यादा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो हम ये बात करें जब कभी भी कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है ना ज्यादातर, तो ये उसमें आते हैं डायटम्स। उसके अलावा देखिए डेस्मिड स्पीसी में आते हैं गोल्डन एल्गी, इनके अंदर सेलवोल जो है वो प्रेजेंट होती है। सेलवोल का बस एक करेक्टर याद रखिए कि ये सोप बॉक्स लाइक करेक्टर होता है, इस तरीके से हाइपोथिका एपिथिका इसको हम बोलते हैं, ठीक है,
सो बुक्स। तो जब भी ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करते टाइम पे हम अगर ये बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होंगी उनके अंदर एक तो पैरेंटल होगी, जैसे इसमें एक में तो चली गई है और इसमें चली गई यहाँ पे, और दूसरी क्या होगी, एकदम ही न्यूली सिंथेसाइज्ड होगी। तो ये इसके अंदर क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है, और ये इसके अंदर क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो ये सेल वॉल का एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा करेक्टर जो है वो मिलता है क्राइसोफाइट्स के अंदर। देखिए सोप बॉक्स लाइक होते हैं, याद रखिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें मेंशन है उनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, डायटम्स जो होते हैं वो एक जगह पे काफी लंबे टाइम से जब इकट्ठे होते रहते हैं तो एक चट्टान बना लेते हैं जिसको डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं, और इसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग के अंदर, ठीक है। ये देखिए चमकाने में, ऑयल फिल्टरेशन के अंदर, सिर्फ के फिल्टरेशन के अंदर क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। तो क्राइसोफाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायटम्स एंड डेसमिट्स याद रखिए। इसके अलावा अगर आपको और एग्जांपल याद रखना है अपनी खुशी के लिए तो आप याद रख सकते हैं। चलिए नाउ राइनोफ्लैजेलेट्स, नाम से ही समझ में आता है कि ये वो है जिनके अंदर क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं दो फ्लैजिला, ठीक है। एक फ्लैजिला तो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा फ्लैजिला क्या होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्लेट लाइक सेलुलोज की बनी है और वो इस तरीके से क्या होती है, इनके ऊपर इस तरह से प्लेट्स जो होती है ना यूं अरेंज रहती है। फ्लैजिला इनमें दो है और कई तरह के कलर इनमें हो सकते हैं, गोल्डन, ब्राउन, ठीक है, ऑरेंज, कई सारे, कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना का डायग्राम आपके दिमाग में आ जाता है जैसे यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। यूग्लिना जो होते हैं मिक्सोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है इनके अंदर। अभी देखिए इसमें पढ़ना चाहो तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। सेल वॉल इनके अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एनिमल्स की तरह प्रेजेंट होती है, पेलिकल का इनमें आवरण पाया जाता है एनिमल लाइफ, राइट। और इनके अंदर पैरामाइलोन जो है वो हम ये बोलते हैं कि पैरामाइलोन के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है। चीजें बहुत सारी है याद करने के लिए, बट जो एनसीईआरटी ने दिया हम उतना याद करते हैं। पहली चीज कि इनके अंदर पिगमेंट जो होता है वो प्लांट की तरह होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये सेप्रोबिक नेचर के भी होते हैं। यूग्लिना एनिमल लाइक इसलिए बोला है क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट लाइक इसलिए बोला है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू होता है। इनके ऊपर वैसे देखा जाए तो ये मसल्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, ये इस तरह से भी कॉन्ट्रेक्शन भी करते हैं, फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूग्लिना, बॉडी फ्लेक्सिबल है इनकी, देखिए प्रोटीन की लेयर मिल रही है। तो ये जो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है ये फंजाई लाइक है, क्यों, क्योंकि इनसे स्पोर फॉर्म करते हैं ये, बट इनके स्पोर जो होते हैं उन पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये प्लांट लाइक करेक्टर में आ जाता है, ठीक है। अगर इनकी मेन बॉडी देखेंगे तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, ठीक है। और इन फ्रूटिंग बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर जो है देन जर्मिनेट होते हैं और वापस से क्या होता है, नया जो है आपका हम ये बोलते हैं स्लाइम मोल्ड का डेवलपमेंट करता है। अब ये देखो ए सेलुलर और सेलुलर दो तरह के हो सकते हैं, वैसे तो इसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना दिया जाए उतना ही आप पढ़िए, ठीक है। ये जब ग्रो करते हैं तो सेवरल फीट तक हो सकते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत लंबी हो सकती है, एग्रीगेट होते हैं, एक मिक्सोमीबा बोलते हैं उसको, और वो क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर फ्यूजन के बाद में वो अपना साइज जो होता है बड़ा बड़ा इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही आपके दिया गया है, तो जितना दिया गया है कृपया उतना ही पढ़ें। चलिए प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स का नाम आ गया है, ये है एनिमल लाइक यूनिसेलुलर एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें मिलेंगे देखने के लिए, बट इनको हमने डिवाइड किया है फोर मेजर ग्रुप में, और उसका बेसिस क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो बेसिस याद रखिए कि किस बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया, तो ये है हिटरोट्रॉफिक है, प्रीडेटर्स है, पैरासाइट है, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और फिर ये प्रोटोजोन्स को फोर क्लासेस के अंदर जो हमने डिवाइड किया है, तो उसमें सबसे पहली आ जाती है अमीबॉइड, यानी कि ये सुडोपोडिया बनाते हैं, सुडोपोडिया, ठीक है ना, ये है सुडोपोडिया, तो ये सुडोपोडिया बनाते हैं और सारे के सारे जो है वो डिजीज कॉजिंग नहीं है। एंड अमीबा जो है वो क्या करता है, पैरासिटिक है, ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है।
अमीबा जो है उस पर सिलिका की शीट पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, याद रखिए ठीक है। फ्लैजिलेटेड वो है जिन पर फ्लैजिला पाया जाता है, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा का डायग्राम आपका इस तरीके से बना होता है, इसमें अंड्यूलेटेड ये मेम्ब्रेन होती है और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ट्रिप्नोसोमा जो है ये इनमें क्या है, सॉरी ट्रिप्नोसोमा खुद तो क्या है, पैरासिटिक एंड स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है ये कॉज करता है, बट इसमें फ्री लिविंग और मेंबर जो है वो भी आते हैं फ्लैजिलेटेड के अंदर ठीक है, और पैरासिटिक जो मेंबर्स हैं वो भी आते हैं। तो जितना दिया है उतना याद रखिए, उससे ज्यादा याद करके अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाए। सिलिएटेड, सिलिएटेड जो है उसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल है पैरामीशियम, पैरामीशियम को याद कीजिए। पैरामीशियम को याद करने का तरीका यह है कि पैरामीशियम एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां से वो फूड को अंदर लेता है, इसके अंदर क्या होते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो एक वर्ल्ड पूल क्रिएट करता है, जिसे पानी अंदर जाता है उसी के साथ में फूड भी अंदर जाता है, तो ये मेन करेक्टर है पैरामीशियम का। उसके अलावा पूरी बॉडी जो होती है वो सीलिया से कवर्ड रहती है, सीलिया जो है एक सेम फैशन में ये क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं ठीक है। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो एंड एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है ठीक है। तो पैरामीशियम कोई स्पेसिफिक टाइप के ये कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक है ठीक है ना, एक्टिवली मूविंग है क्योंकि इनमें सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया का मूवमेंट फास्टेस्ट होता है अगर कंपेयर करें फ्लैजिला से तो ठीक है। स्पोरोजोन्स ये है लोकोमोटरी ऑर्गन लेस, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, ये इन्फेक्शियस है, दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। मलेरिया के लिए याद कीजिए प्लाज्मोडियम जो अपनी लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट में कंप्लीट करता है, एक कौन होते हैं ह्यूमंस और दूसरे कौन होते हैं फीमेल एनाफिलीज है ना, तो मॉस्किटो के अंदर ये अपनी डिजीज को सॉरी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। चलिए तो स्पोरोजोन्स जो है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, इनमें इन्फेक्शियस होस्टेज आती है ठीक है। तो इतना ही दिया गया है, जितना दिया गया है उतना ही पढ़िए। चलिए आगे, नाउ किंगडम फंजाई। फंजाई जैसे ही दिमाग में आती है फंजाई से रिलेटेड, फंजाई बहुत तरह की हो सकती है, कई जगह प्रेजेंट होती है, ये हमारे फूड पे भी लग जाती है, गीली लकड़ी होती है अगर कोई हमें बोलते हैं छाल होती है वहां भी लग जाती है, खंभों पे भी लग जाती है, तारों पे भी लग जाती है, अलग 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 जगह पे हमें बोलते हैं कि फंजाई तो बहुत जगह प्रेजेंट है ना, तो ये कॉस्मोपॉलिटन हो गई नेचर में। एक्चुअल में इसका रीजन ये होता है कि फंजाई जो होते हैं ना इनका मेन करेक्टर है स्पोर प्रोड्यूस करना, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स का मतलब हो गया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स दोनों ही तरह के। अगर आप इसमें वैरायटी देखोगे तो ये जू स्पोर्स डेवलप करते हैं, ये एप्लेनो स्पोर्स डेवलप करते हैं, ये क्लेमाइडो स्पोर्स डेवलप करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स है। अगर हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो ये हम ये बोलते हैं कि जाइगो स्पोर्स जो है वो डेवलप करते हैं, अगर अगर हम बात करते हैं एस्को स्पोर की बेसिडियो स्पोर की, तो ये सब सेक्सुअल स्पोर्स के टाइप है, तो ये भी क्या होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें टेल्यूटोस्पोर्स कई सारी वैरायटी इसके अंदर आ जाती है, लेकिन उतना हमें डिटेल में जाना नहीं है, बट मेन करेक्टर जो है स्पोर का याद रखना है कि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसी ये फंजाई का मेन करेक्टर है। फिर फंजाई के अंदर काइटीन की सेल वॉल होती है, याद रखिए सेप्रोबिक नेचर के हैं, डेड एंड डीके मैटर से फूड लेते हैं ठीक है, इतना आप अपने दिमाग में रखिए। अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर जाएं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर तीन मेथड से हो, तीन इसमें इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है उस इवेंट के अंदर ये क्या करते हैं, ये इनका जो प्लाज्मोगैमी जो होता है ना ये करते हैं, इनके जो दोनों की मेल एंड फीमेल जो होती है, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर ये इनके थ्रेड होता है ना, इस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं हाइफी बोलते हैं। अब इसमें सेप्टा प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी, नहीं है तो वो ऐसा कंडीशन होगी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी फंजाई के अंदर ठीक है। हैप्लॉइड बॉडी होती है इनके अंदर, ग्लाइकोजन इनका स्टोरेज फूड होता है। चलिए तो सेप्टेट हो चाहे एसेप्टेट फंजाई हो, इनमें होता क्या है कि इनकी इनमें सबसे पहला इवेंट जो आता है वो आता है प्लाज्मोगैमी। ये प्लाज्मोगैमी करते हैं, इनके जो भी मेल की तरह बिहेव कर रहा है और जो भी फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है वो क्या करते हैं आपस में उनका जो जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाता है। साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, मान लीजिए ये एक सेल है ना, अभी मैं इसको सिनोसिटिक से हटा के मल्टी इसको कर देती हूँ सेप्टेट फंजाई कर देती हूँ। मान लीजिए ये सेल और ये सेल है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गई, जब ये दोनों सेल फ्यूज हो जाएगी तो कंडीशन क्या डेवलप हो जाएगी, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे तो डाइकैरियन स्टेज डेवलप हो जाती है। तो पहला प्लाज्मोगैमी होगा, देन कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी होने से क्या हो जाएगी, ये एन एन है क्योंकि हैप्लॉइड होती है इनकी हर सेल, तो ये 2n जो है ये जैसे ही फ्यूज होगा तो डाइकैरियन स्ट्रक्चर डेवलप ये डाइकैरियन स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी और यहाँ पे 2n डिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा। अब ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होंगे, डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे मेन बॉडी के अंदर ठीक है। तो तीन स्टेप आए, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन आया मियो
मियोसिस, ठीक है, मियोसिस आ गया। अभी देखिए एक चीज, कैरियोगेमी के होने से पहले जो डाइकैरियोन स्टेज होती है वो या तो शॉर्ट लिव्ड हो सकती है या फिर लंबे टाइम तक वैसे ही रह सकती है, तो ये कंडीशन है, क्लियर। चलिए, तो फंजाई जो है उसको मेन फोर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होती हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर रहती है, ठीक है ना। फिर हम ये बोल रहे हैं मॉइस्ट एनवायरमेंट में, मॉइस्ट वुड जो होती है, डैम जो प्लेसेस है वहां पे हमें देखने को मिलती है। मेन इसको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ये एसेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है, यानी कि इस तरह की है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, कोई सेप्टा प्रेजेंट इनके अंदर नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिए, जूस स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स इनमें बनते हैं और एप्लेनो स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स भी ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स है ये क्या करते, किस पे डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियम पे डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्पोर्स है इनके थ्रू जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करेंगे, इनको सेक फंजाई को बोलते हैं, ये सेप्रोफिटिक होती है, डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, डंग जो होता है उसके ऊपर ये जो है ग्रो करती है। ये ब्रांच है और सेप्टेट है, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कोनिडिया के थ्रू करती है, कोनिडियो फोर होता है, कोनिडियो फोर किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं एक्सोजीनसली, इस तरीके से जो है कोनिडिया जो है वो इस पे अरेंज रहते हैं चेन के फॉर्म में। ओइडिया भी एक कंडीशन होती है, ओइडिया के अंदर बनते तो एक्सोजीनसली है बट वो इस तरह से चेन के फॉर्म में जो है अरेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये कोनिडिया है, तो कोनिडिया फॉर्म करते हैं, कोनिडिया के थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये एस्कोस्पोर बनाते हैं, और ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये एंडोजीनसली बनते हैं, यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर इस तरह से एस्कोस्पोर बनते हैं, और ये एस्कोस्पोर जो है वो क्या होता है, न्यू बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। तो याद रखिए एस्कोस्पोर जो है एंडोजीनसली सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको एसआई बोलते हैं, उसमें ये बनते हैं। तो ये जिसमें बन रहे हैं तो इसको हमने क्या बोला है, ये तो है स्पोर्स, स्पोर, और ये क्या है, एसआई, ठीक है ना, इसके अंदर ये बनते हैं। तो जितना दिया है उतना याद रखिए, तभी इसको सैक फंजाई बोला है। बेसिडियोमाइसिटीज, इसको हम बोलते हैं ब्रेकेटेड फंजाई बोलते हैं, इनके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा, लेकिन इसके अंदर जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियो हम ये बोलते हैं कि बेसिडियम के बाहर बनते हैं, ये एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। वही यही सेम चीजें पैरासिटिक हैं, सॉइल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ट्री स्टम्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों, क्योंकि ये जो है एक्चुअल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करती है कोनिडिया के थ्रू, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर अब्सेंट होता है, वही ब्रांच है, सेप्टेट है, ये तीनों कंडीशन सब में सिमिलर ही है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में यूं है कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगती है तो इस कंडीशन के अंदर हम फिर इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रख के फिर हम दूसरी क्लास के अंदर इसको रख देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इसको इम्परफेक्ट है इसलिए बोला क्योंकि इनमें हम ये बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। चलिए अभी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में म्यूकर एंड राइजोपस एल्ब्यूगो, ये एग्जांपल है फॉर द फाइकोमाइसिटीज। एस्पर्जिलस क्लेविसेप्स, ये एग्जांपल है फॉर द एस्कोमाइसिटीज। एगेरिकस पक्सीनिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर हम देखें स्टीलेगो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रस्ट फंजाई और ये स्मट फंजाई, ये डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये है बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अलावा अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम, ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तीन एग्जांपल याद रख लीजिए, वैसे एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल। तो तीन तीन एग्जांपल ही तो दिए हैं, तो लर्न करने के लिए ज्यादा चीजें तो नहीं है, तो फिर क्यों याद करना ज्यादा चीजें। याद रखिए मशरूम जो होती है इनके अंदर फिर वो क्या है, एडिबल है, जो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, एडिबल होती है, लास्ट लाइन आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। चलिए किंगडम प्लांटी, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन प्लांटी के बारे में इमेज क्रिएट करनी है तो याद रखिए प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स वो जो है हर्ब्स भी होते हैं, ट्रीज हैं, शर्ब्स होती हैं, सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट होती हैं, जिनमें टैप रूट प्रेजेंट हो सकती है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट हो सकती है, फाइब्रस रूट उनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। और अगर हम बात करें तो एल्गी वगैरह की, तो उनमें अब राइजोइड्स होते हैं,
थैलो, हम ये बोल सकते हैं थैलोफाइट्स भी हो सकते हैं, बॉडी जो है रूट स्टेम लीव में डिवाइडेड भी हो सकती है, प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर इनके वैस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, जाइलम फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होता है, और फिर अगर हम इनके बारे में और अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो लीव कैसी होती है, फिर हम मॉर्फोलॉजी में उसकी स्टडी करेंगे कि एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे तो लीव कैसी होती है, क्या होती है उसके बारे में डिटेल स्टडी, एंजियोस्पर्म की खुद की अपनी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट के अंदर अगर हम लोग देखें तो ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स इनमें जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इनमें इवोल्यूशन हुआ, कि कैसे इनके अंदर जो थे रिप्रोडक्टिव बॉडी जो थी वो नॉन जैकेटेड थी एंड देन जैकेटेड हुई, किस तरीके से इनमें जो गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट एंड जो है आपके स्पोरोफाइट ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेड होती है, किसमें मेन होती है, ये सारी डिटेल स्टडी है जो प्लांट किंगडम में हम लोग करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। चलिए है ना, अभी तो हम लोग इतना ही पढ़ पाएंगे। एनिमेलिया वही सब चीजें एनिमल किंगडम में हम पूरी डिटेल स्टडी करने वाले हैं, सेल वॉल जिनमें नहीं होती है, जिनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, सेल्स मल्टी सेलुलर है ये टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं, और इसमें भी डाइवर्सिटी बहुत सारी लंबी चौड़ी है जो एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए इसको यहीं पे स्किप करते हैं। नाउ द टॉपिक वायरस वीरियोइड प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स। ठीक है, वायरस जो है इनको हम ना तो लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। रीजन ये एनवायरमेंट में नेचुरली ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इनको हम क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त हम ये बोलते हैं कि प्राप्त कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज इनको किया जा सकता है। अगर हम देखें तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो खुद के कोई कंट्रोल में नहीं है, बट ये जब होस्ट में जाती है तो ये मेटाबॉलिकली भी हम ये बोलते हैं कि एक्टिविटी शो करती हैं, ये होस्ट की जो बोलते हैं मशीनरी जो होती है उसको हम कर लेते हैं कि अपने अंडर में ले लेती है, हम बोलते हैं कई तरह के एंजाइम जो है वो ये रिलीज करते हैं वायरस जो होते हैं, और हम ये बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब चीज़ें इनके अंदर होती है, इनके अंदर खुद का इनका जेनेटिक मटीरियल भी होता है, डीएनए आरएनए जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट वायरस है तो आरएनए होता है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, एनिमल वायरस है तो उसके अंदर डीएनए होता है। अब ये भी कंडीशन है कि डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। अब एचआईवी वायरस एनिमल वायरस है, मतलब ह्यूमंस का वायरस है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये एक्चुअल में वायरस जो है वो ना तो लिविंग के अंदर आते हैं ना ही नॉन लिविंग में, इसीलिए इनको कनेक्टिव लिंक बोल दिया है। तो ये है ऑब्लिगेट पैरासाइट, लिविंग रहने के लिए इनको हमेशा होस्ट चाहिए ही चाहिए। ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है, इन इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल बाहर है तो ये इनर्ट रहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं बिल्कुल, इनके अंदर डीएनए आरएनए है और उसके ऊपर एक कोट प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन का कोट है और ये इनके अंदर क्या है डीएनए है या फिर आरएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको मैंने ऐसे ही बता दिया कि डीएनए है मान लीजिए, तो ये डीएनए और आरएनए इनके अंदर क्या कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, इसी को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्रोटीन को वायरस। फिर ये ह्यूमन वायरल डिजीज है, एड्स मम्स स्मॉल पॉक्स हर्पीज इन्फ्लुएंजा, इनको याद रखना है। इसके अलावा जो इसका हम ये बोल रहे हैं कि पॉइजनस होते हैं ये, तो ये किसने बताया भाई, इवेनो मस्की ने हमें बताया है। इसके अलावा अगर हम देखें वायरस जो है वायरस की स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग देखें तो ये प्लांट वायरस है टोबेको मोजेक वायरस, ये इनके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर है, बट ये देखो कई यूनिट में होती है जिसको हम क्या बोलते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर को कैप्सिड बोलते हैं, और ये जो है ये क्या है कैप्सोमियर है, कैप्सोमियर ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया के ऊपर, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है अपना अपना मल्टीप्लीकेशन करता है, तो इसकी अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो टेडपोल जैसा है ना, हेड होती है कॉलर है इसके अंदर और इसके अंदर टेल फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ये प्रोटीन का कोट है पूरा का पूरा, जब ये ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म करते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर जो है बैक्टीरिया में रिलीज कर देते हैं पूरा, बाकी आउटर जो ये जो इनका प्रोटीन की कोटिंग है ये बाहर ही रह जाती है, ठीक है। तो ये है बैक्टीरियोफेज। चलिए नाउ कुछ और छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी और दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, उनको भी ध्यान से पढ़िए। वीरियोइड क्या होते हैं, ये डीनर ने बताया था कि ये जो है ये हम ये बोल रहे हैं कि स्मॉल हम बोलते हैं आरएनए पार्टिकल है जो इन्फेक्शियस होते हैं ना, आरएनए जो होते हैं ना लोअर मोलिकुलर वेट वाले आरएनए जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। ये पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है उसको कॉज करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसी को आपको याद करना भी है, ठीक है। तो वीरियोइड क्या है, वो आरएनए इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल जो डिजीज कॉज करते हैं। फिर आ जाता है दूसरा प्रियॉन्स, प्रियॉन वर्ड में देखो वहीं से समझ में आ जाएगा, प्रियॉन्स में क्या होते हैं ये हम ये बोलते हैं प्रोटीन होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है ना।
अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो ये डिजीज कौन सी कॉज करती है, तो ये मैड काउ जो डिजीज होती है ना इसको कॉज करती है, मेंटल रिटार्डेशन इसकी वजह से हो जाता है। तो एनसीईआरटी में मेंशन है इतना, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका भाई? ये फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अपने आप को इन्होंने अब क्या है, फ्रीली अकेले ये सर्वाइव कर सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चट्टानों को मिट्टी के अंदर ये कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनके अंदर राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं अपने सबस्ट्रेट से। फिर देखिए, इनके एल्गी पार्ट को हम फाइकोबायोंट पार्ट बोलते हैं, जबकि इनके फंजाई पार्ट को माइकोबायोंट पार्ट बोलते हैं। एल्गी पार्ट है तो ऑटोट्रोफिक नेचर का फूड वो लेके आएगा, फंजाई जो है वो क्या करेगा, ये देखिए ये इसको तो खुद को क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, लेकिन ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेके आता है किसके लिए, एल्गी के लिए, ताकि वो क्या कर सके, फूड बना सके। चलिए, बहुत ही अच्छा गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जहां पे पोल्यूशन होता है वहां पर ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो लाइकेन्स वहीं ग्रो करते हैं जहां पे पोल्यूशन नहीं होता। अब ये फ्रूटिकोस, क्रस्टोस, फोलियोस, कई तरह के लाइकेन्स होते हैं, पढ़ना चाहे तो इतना डिटेल में जा सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। चलिए, लाइकेन के अलावा माइकोराइजा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि फंजाए जो होती है वो हायर प्लांट्स की रूट के अंदर भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एसोसिएशन अगर ये नहीं हो तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी। तो माइकोराइजा भी एक शब्द है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसको आपको पता होना चाहिए। तो जितना दिया है उतना याद रखिए, बहुत है। तो माइकोराइजा में फंजाई क्या करता है, फंजाई वही एक तो बाहर से चारों तरफ से, अगर रूट के चारों तरफ लिपटा हुआ है तो वो क्या करेगा, एक तो उसको हम बोलते हैं कि हेल्प करेगा, है ना, कि बाहर से कोई भी इंजरी वगैरह नहीं हो, न्यूट्रिशन वगैरह जो है, वाटर जो है वो तो एब्जॉर्ब करके देगा ही देगा। वापस से क्या मिलेगा, रूट से, रूट से उसको फूड मिलेगा, शेल्टर भी मिलेगा, है ना, क्योंकि माइकोराइजा दो तरह से हो सकता है, एक्टो और एंडो, है ना। तो अंदर भी वो जो है पेनिट्रेट रह सकता है पूरी की पूरी फंजाई, और बाहर से भी वो क्या होती है, लिपटी भी रह सकती है। ठीक है, तो ये थे आपका चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हमने फटाफट से एक रिविजन ले लिया है। आई होप आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिवीजन में। तो फटाफट से अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया है तो इन फॉलोअप क्वेश्चन का मुझे आंसर लिख कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये है आपके क्वेश्चंस, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आंसर बताइए। तो आप लोगों ने ले लिया है, कुछ और क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। चलिए, ये कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये डायग्राम, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों को इनके भी एक रिविजन होना चाहिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ले लिया तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मोस्ट वांटेड सीरीज जो है उसको फॉलो करना शुरू नहीं किया, अगर आपने उसको परचेज नहीं किया है, तो प्लीज फटाफट से उसके लिए उसको परचेज कीजिए। आप लोगों के लिए एक मैं कोड लेके आई हूं, BIO25। जब आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 25% डिस्काउंट उसमें मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो प्लीज फटाफट से सभी जो है मोस्ट वांटेड सीरीज को फॉलो करिए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।